उन्होंने वर्ष 1997 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी के क्षेत्र में पदार्पण किया और बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किंग्स कप 1997 में जीता। टूर्नामेंट जीतने के अलावा डिंगो सिंह को मीट का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज भी घोषित किया गया। 1998 में बैंकॉक एशियाई खेलों में भाग लेने वाली भारतीय बॉक्सिंग टीम के लिए उन्हें चुना गया था। हालांकि किसी को भी उनसे देश को बड़ा नाम दिलाने की उम्मीद नहीं थी। वास्तव में बैंकॉक के लिए उड़ान भरने से 2 घंटे पहले भी डिंगो को कथित तौर पर इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें इस कार्यक्रम के लिए चुना जाएगा या नहीं। ये आयोजन डिंगो के लिए भाग्यशाली मैदान साबित हुआ और उन्होंने बैंकॉक एशियाई खेलों 1998 में बॉक्सिंग स्पर्धा के लिए 54 किरंगा बैंटम वेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर एक इतिहास रच दिया और बैंकॉक एशियाई खेलों 1998 के बॉक्सिंग इवेंट में सबसे शानदार क्षण तब आए जब फाइनल मैच में डिंगो ने उज्बेकिस्तान के जाने माने मुक्केबाज तैमूर तुल्याकोव का मुकाबला किया। उस समय तैमूर वर्ल्ड नंबर 5 की रैंकिंग पे थे। डिंगो कुछ महीने पहले 91 किरंगा से 54 किरंगा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने से पहले ही पहुंच गए थे, जिसने उनकी जीत को और अधिक प्रभावशाली बना दिया। मैच के दौरान वह अपने प्रतिद्वंदी से कहीं बेहतर साबित हुए और तैमूर को चौथे दौर की लड़ाई के बाद संन्यास लेना पड़ा। मुक्केबाजी के खेल में उनकी उत्कृष्टता और उनके निरंतर प्रयासों और समर्पण से राष्ट्र के लिए उनके असाधारण योगदान को मनाने के लिए डिंगो सिंह को वर्ष 1998 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ के आसपास है। इनके पास एक घर, कार और कई बाइक्स हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा।